हमारे चैनल बढ़िया खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भेजा। सामग्री: बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर। भेजा: एक पैन लेंगे, उसको गरम करेंगे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल को गरम होने देंगे, इसमें डालेंगे एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है, इसे थोड़ा भुनेंगे, अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे। थोड़ा भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां। इसको प्याज के साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा भुनेंगे। इसमें डालेंगे अदरक का एक छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ। इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। भुनने की वजह से अदरक का और लहसुन का कच्चापन चला जाएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है, इसे थोड़ी देर और भुनेंगे। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, प्याज के साथ भूनेंगे। इसकी वजह से हल्दी का कच्चापन चला जाएगा और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, जिसके वजह से भेजा टेस्टी बनेगा। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे भेजा जिसे हमने धो लिया है। भेजे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरी तरह मसाले में उसे मिलाएंगे। करीब आधा मिनट भूनेंगे इसे। इस वक्त गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। आधा मिनट बाद ये टूटने लगा है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा बाउल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी तरफ से इसे मिला लेंगे। धनिया से भेजे का फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा ही डालना है। पानी में अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाएंगे, भेजे को थोड़ा तोड़ लेंगे। पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है। एक ढक्कन लगाकर इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद एक बार इसे चेक करेंगे, पानी सूखने लगा है। भेजे को अच्छे से मिलाएंगे, तोड़ लेंगे। इसके टुकड़ों को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। पानी सूख चुका है, फिर भी हम इसे थोड़ा और भूनेंगे तेल छूटने तक। तेल छूट चुका है, एक बार इसे और अच्छे से भून के मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भेजा भून चुका है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी सूख चुका है, भेजा तैयार है, इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ उससे सजाएंगे। नींबू प्याज के साथ सजाएंगे। बढ़िया भेजा तैयार है।